नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त अभिलाष पांडे। इस खास एपिसोड में हम बात करते हैं उन सुपरस्टार्स के बारे में जिनकी खबरों से आप रूबरू नहीं हो पाते, या यूं कहें कि उन सुपरस्टार्स की खबरें आप तक पहुंच नहीं पाती। इस सुपरस्टार स्पेशल के शो में शुरुआत कर देते हैं अपनी पहली खबर से। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में टॉप एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का क्रेज जो है ना, ये काफी शानदार है। दर्शकों की चहेती अदाकारा मानी जाती है। 2014 से इस अभिनेत्री ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। निरहुआ हिंदुस्तानी से इस अभिनेत्री ने डेब्यू किया और जिस तरह से आम्रपाली की तारीफें की जाती हैं, जिस तरह से आम्रपाली अपने आप को ढालती हैं, जिस तरह से उनकी खूबसूरत अदाएं लोगों को देखने को मिलती हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव जी के साथ निरहुआ इतने बड़े सुपरस्टार इंडस्ट्री के, उनके साथ आम्रपाली ने करियर की शुरुआत की थी और करियर इनका काफ़ी उफान पर है। इस साल इनकी दो फिल्में आई, काशी अमरनाथ और सिपाही, तीसरी फिल्म भी थी, माफ़ कीजिएगा, निरहुआ हिंदुस्तानी भी थी 2। उसमें इन तीनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा, बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी और आम्रपाली इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब भी मिल गया उनको। इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी मेहनत करती हैं खुद के ऊपर, लेकिन अक्सर ये सवाल उठते रहे हैं कि आम्रपाली दुबे मोटी है, वजन ज़्यादा है। दरअसल ऐसा है कुछ नहीं, क्योंकि इन अभिनेत्रियों का और अभिनेताओं का शेड्यूल ऐसा रहता है कि इनको समय ही नहीं मिल पाता जिम और अपनी बॉडी को वर्क करने का, क्योंकि स्टेज शोज, एल्बम्स और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो ये करते हैं, इसमें ये 12 महीने अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट, अपने फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज़ें करते हैं। तो कहीं ना कहीं आम्रपाली दुबे अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर एक फोटो शेयर की जिसमें वो चमकर वर्कआउट करती हुई नजर आ रही थी। दरअसल आम्रपाली दुबे चाहती हैं कि वो साइज 0 बनाए करीना कपूर की तरह, लेकिन आम्रपाली दुबे का क्रेज ही कुछ ऐसा है कि हर कोई उनके साथ दिखना चाहता है। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे आम्रपाली दुबे होने पतले होने की कोशिश कर रही हैं और जमकर वर्कआउट कर रही हैं। भोजपुरी फिल्म में अक्सर अभिनेत्रियों अपने मोटापे को लेकर काफी चर्चाओं में बनी रहती है। अक्सर इनके मोटापे को लेकर कई बड़े सुपरस्टार इन अभिनेत्रियों पर तंज कसते हुए भी नजर आते हैं। खास बात यह है कि भोजपुरी की लगभग सभी अभिनेत्रियां अपने मोटापे को लेकर खासा परेशान नजर आती हैं। मगर आपको ये भी बता दें कि अभिनेत्रियां अपने काम से पीछे नहीं हटती। दरअसल इन अभिनेत्रियों को शेड्यूल एक टाइट होता है और ये अपनी सेहत पर अपना ध्यान नहीं दे पाती। ये अभिनेत्रियां साल में करीब 10 से 12 फिल्मों को शूट करती हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इन दिनों इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे सुर्खियों में बनी हुई है और इस बार सुर्खियां बनी है उनके फिटनेस का। दरअसल आम्रपाली दुबे की हाल ही में एक फोटो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है जिसमें वो व्यायाम करते हुए नजर आ रही हैं। और तो और आम्रपाली दुबे इन दिनों अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत भी कर रही हैं, क्योंकि हाल ही में एक पार्टी में पहुंची आम्रपाली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वो अपने फैंस और दर्शकों से वादा करती हैं कि वो बहुत जल्द ही अपना मोटापा कम कर लेगी और करीना की तरह साइज 0 फिगर बनाकर दिखाएंगी। तो देखा आपने किस तरह आम्रपाली दुबे से काफी उम्मीदें हैं, दर्शकों को, फैंस को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं आम्रपाली दुबे। यही हम भी उम्मीद करते हैं कि आम्रपाली दुबे जल्द से जल्द पतली हो, क्योंकि आने वाली जो उनकी फिल्में हैं पटना जंक्शन बॉर्डर, इसमें सुनने में आ रहा है कि वो एक्शन सीन्स करती हुई भी नजर आएंगी साल 2018 में। अब एक्शन सीन्स करने हैं, स्टंट करने हैं, तो आपको पतला तो होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आम्रपाली दुबे ये बात जानती हैं और अब अपनी फिजिक के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। दरअसल दूसरी खबर रिलेटेड है हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से। खेसारी लाल यादव को दर्शकों का सबसे चहेता सितारा माना जाता है। इनकी फिल्में, कहते हैं कि जब भी सिनेमा घरों में रिलीज होती हैं, दर्शकों को मजा आ जाता है, दर्शक दीवाने हो जाते हैं। खेसारी का नटखट चुलबुला अंदाज, उनकी कॉमेडी सीन्स दर्शकों के जहन में रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक लोग खेसारी लाल यादव को याद रखते हैं। काफ़ी कम समय में खेसारी लाल यादव ने भी अपना एक अहम किरदार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, एक अहम रोल निभाया है, इंडस्ट्री के स्तर को बढ़ाया है। खास बात यह रही कि जो फुहड़ता वाला जो टैग था, अश्लीलता अश्लील होती है भोजपुरी फिल्म में ऐसे लोग कहते थे, उस फुहड़ता वाले टैग को हटाया, मेहंदी लगा के रखना जैसी साफ सुथरी फिल्म दी, हम हैं हिंदुस्तानी
जैसी साफ सुथरी फिल्म दी, कहीं ना कहीं खेसारी ने इंडस्ट्री की छवि को बदला साल 2017 में, और उन्होंने सीधे कहा कि मैं द्विअर्थी फिल्मों और द्विअर्थी गानों से बिल्कुल तौबा करूंगा और मैं आने वाले समय में अच्छा काम करूंगा। अब खेसारी के एक स्टेज शो का लुत्फ जो है वो वायरल हो रहा है इन दिनों इंटरनेट पर, लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। दरअसल वो शुभी शर्मा के साथ जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्मों की शूटिंग के अलावा खेसारी स्टेज शोज भी किया करते हैं, अपने दर्शकों और फैंस के बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, अच्छे एनर्जेटिक परफॉर्मर भी हैं खेसारी लाल यादव। डांस, एक्टिंग, उसके साथ साथ गायकी का मजा जो है एक स्टार को सुपरस्टार बना ही देता है। तो कहीं ना कहीं खेसारी का यही अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आता है और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जाने ही जाते हैं इसी चीज़ों के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में क्या से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और शुभी शर्मा का एक स्टेज शो का डांस वायरल हो रहा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को दर्शकों का सबसे चहेता सितारा माना जाता है। उनकी फिल्में जब भी सिनेमा घरों में दस्तक देती हैं, दर्शकों का दीवानापन देखते ही बनता है। चुड़बुल और नटखट स्वभाव वाले खेसारी को हर कोई पसंद करता है। शायद यही वजह है कि मौजूदा समय में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की सबसे ज्यादा मात्रा में फैन फॉलोइंग है, और अक्सर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपने को-स्टार्स को भी काफी कंफर्टेबल फील कराते हैं, और ये बात कई अभिनेत्रियां भी कह चुकी हैं। इन दिनों खेसारी सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहने की उनकी वजह भी कुछ खास है। दरअसल सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक स्टेज शो का फुटेज इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो शुभी शर्मा के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्टेज शो में लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ है और इस पर खेसारी जमकर थिरकते हुए शुभी शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं। ये फुटेज जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। इस फुटेज को करीब लाखों से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो देखा आपने किस तरह खेसारी और शुभी जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई ये बात तो कई अभिनेत्रियां भी कह चुकी हैं कि खेसारी लाल यादव जो है इनकी पर्सनालिटी का कोई जवाब नहीं है। ये अपने को-स्टार्स को इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं, इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं कि शायद कोई अभिनेत्री खेसारी के अगेंस्ट बोलने की जरूरत ही नहीं करती है और उनको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर रिलेटेड है हमारी फिर से एक बार फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। इनकी फिल्में तो धमाल मचाती हैं, इनके गाने धमाल मचाते हैं, इनका अभिनय धमाल मचाता है, इनकी कॉमेडी धमाल मचाती है, और अब इनका एक्शन भी धमाल मचाता है। साल 2017 में कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव ने अपनी छवि, जो उनकी कॉमिक और रोमांटिक वाली जो छवि थी, उसको खेसारी ने बदला और उन्होंने इस एक्शन अंदाज को अपनाया, और एक्शन अंदाज में तो उन्होंने मतलब क्या बताऊँ लोग, मतलब दर्शकों के जहन में उतर गए। फिल्म हमें हिंदुस्तानी में काजल राघवानी के साथ रोमांस, मुकद्दर में काजल राघवानी के साथ रोमांस के साथ साथ एक्शन भी, एक अच्छा पैकेज, एक एक्शन पैक्ड परफॉर्मर के रूप में उभर कर आए हैं और एक बड़े स्टार कहलाते हैं। खेसारी की फिल्में कहते हैं कि जब भी लगती है ना सिनेमाघरों में, दर्शक अपने आप चले आते हैं। दर्शकों को पता होता है कि उनका चहेता सितारा कुछ अलग लेकर आया है, कुछ अच्छी फिल्में लेकर आया है। यही पर्सनैलिटी है खेसारी लाल यादव की। अब बात करते हैं आने वाले समय की, यानी कि 2018 में खेसारी लाल यादव काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। डबरू फिल्म आने वाली है, फिल्म दबंग सरकार आ रही है, दुल्हन गंगा पार के आ रही है, जिसमें आम्रपाली के साथ वो पहली बार आइटम सॉन्ग करते हुए भी नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का ये अंदाज जो है ये इन्हें लोगों से अलग बनाता है, और उनकी जो एक फिजिक है वो काफ़ी अच्छी है। इस साल खेसारी ने अपनी बॉडी पे भी काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया है। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें खेसारी ने खुद कहा था कि वो दिन भर में दो बार वर्कआउट करते थे और उन्होंने करीब 15 किलो वजन कम किया है। अब खबरें ये आ रही हैं कि बाहुबली के लुक में, जो भोजपुरी की बाहुबली फिल्म बनने जा रही है, उसमें खेसारी लाल यादव नजर आ सकते हैं और उनका बाहुबली लुक भी वायरल हो रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का बाहुबली लुक वायरल हो रहा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को दर्शकों का सबसे चहेता सितारा माना जाता है। उनकी फिल्में जब भी सिनेमा घरों में दस्तक देती हैं, जमकर धमाल मचाती हैं, और अक्सर खेसारी लाल यादव सुर्खियों में भी बने रहते हैं। इन दिनों एक बार फिर से ये सुपरस्टार काफी चर्चा में है। दरअसल खबरों की माने तो खेसारी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में काफी व्यस्त हैं, जिसका नाम है तेरी मेहरबानियां। इस फिल्म में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव शेर के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। खास बात ये है, पहली बार ऐसा होगा जब खेसारी अपनी किसी फिल्म में शेर से लड़ेंगे। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने एक और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसका नाम है बाहुबली। अब ये देखना दिलचस्प होगा, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म बाहुबली साउथ की बाहुबली को टक्कर दे पाती है या नहीं।
तो देखा आपने, सबसे पहले तो ये बात बता दें आपको कि खेसारी का बाहुबली लोग लोगों को काफी पसंद आ रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि बाहुबली लोग जो है वो दर्शकों को काफी पसंद आएगा। तो इस खास एपिसोड में दर्शकों, हमने आपको सबसे पहले तो बताया कैसे आम्रपाली दुबे पतली होने की कोशिश कर रही हैं और चितोड़ मेहनत कर रही हैं और साल 2018 में धमाल भी मचा सकती हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कैसे शुभी शर्मा और खेसारी लाल यादव के स्टेज शो का एक डांस जम कर वायरल हो रहा है और यही उम्मीद की जा रही है कि अब खेसारी लाल यादव आगे भी अच्छी चीज़ें करें। बाहुबली का लुक भी हमने आपको तीसरी खबर में बताया कि कैसे उनका बाहुबली लुक वायरल हो रहा है। तो इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी भोजपुरी सुपरस्टार्स की अन्य खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।